ये 9 मुहर्रम का मंज़र है इमाम अली मकाम की बारगाह में, अजमेर शरीफ दरगाह की जो इमाम बारगाह है, यहाँ पर सवारी हो कर के ताज़िया शरीफ रख दिया गया है। इमाम अली मकाम का रोज़ा मुबारक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के ताज़िया शरीफ की सवारी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर तमाम आशिकान अहले बैत, जितने भी खुद्दाम हजरात हैं और जितने भी बाहर से शहर के लोग आते हैं और काफ़ी ज़ायरीन दूर दराज से इमाम अली मकाम की हाज़री में अजमेर शरीफ खुसूसी माह मुहर्रम के मौके पे इमाम अली मकाम की ताज़िया शरीफ में जो 3 दिन सवारी होती है 8, 9, 10 उसमें हाज़री देने के लिए आते हैं। और बिलखसूस जैसा कि आज 9 मुहर्रम जब इमाम अली मकाम की ताज़िया शरीफ इमाम बारगाह में रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जितने भी आशिक शहदाई हैं इमाम अली मकाम की, जो अपने अपने जानिब से इमाम की बारगाह में मन्नत मांगते हैं, जो ना औलाद होते हैं मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के सदक़े, मौला उनको नेक व सौले औलाद अता फ़रमाते हैं, जो बीमार होते हैं सैयद सज्जाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सदक़े, मौला उनको सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाते हैं, जब उनकी मन्नत मुराद पूरी होती है तो मन्नत के हिसाब से वो इमाम अली मकाम की बारगाह के अंदर यहाँ पर जो तराजू लगा है उसमें अपने बच्चों को तोलते हैं, जिसकी जैसी मन्नत होती है वो जो मन्नत मांगता है उस हिसाब से तोलता है, जो सिक्कों में तोलने की मन्नत मांगता है वो सिक्कों में तोलता है, जो फ्रूट्स के अंदर तोलता है इमाम अली मकाम की मन्नत में मांग के, कुछ लोग आटे में शक्कर में हज़ब तौफीक इमाम अली मकाम की बारगाह में लोग अपने बच्चों को अपनी फैमिली मेंबर्स को इस तरह से इमाम अली मकाम के रोज़ा मुबारक के सामने तोलते हैं और उसको उसके वज़न के हिसाब का जो भी चीज़ में तोलते हैं उसको खैरात करते हैं लोगों में इमाम अली मकाम के रोज़ा मुबारक के सामने। इस तरीके से इमाम अली मकाम के यहाँ पे लोग अपनी अपनी मन्नत पूरी करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ खादिम हजरात ही नहीं, बाहर शहर भर से भी लोग आकर के और जितने ज़ायरीन हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आशिक आते हैं, वो भी अपने अपनी जानिब से हज़्ब तौफीक यहाँ पर जिस तरह की भी मन्नत मांग के जाते हैं उसको माह मुहर्रम में 9 तारीख को आकर के पूरी करते हैं इमाम की बारगाह में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला निगाह करम निगाह ख़ास अता फ़रमाएँ और हर मन्नत के हिसाब से मौला की बारगाह से उनको अता होता है, क्योंकि बेशक ये सखी इब्ने सखी का दरबार है, सखावतों का समंदर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी बेबस है तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शब्बीर के आगे, झोली तुझे भरनी है तो आ इनके दर पे आ, तकदीर बदलनी है तो आ इनके दर पे आ, इनके करम से देता खुदा बेहिसाब है, बेमिसल है रसूल अली लाजवाब है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही इमाम बारगाह के अंदर लंगर इमाम अली मकाम, लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बिछाया गया, दस्तरखान अहले बैत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला इस दस्तरखान के सदक़े आप सब के घरों के दस्तरखान में बरकतें रहमतें अता फ़रमाएँ, इस दस्तरखान अहले बैत के सदक़े आप सब के दस्तरखान भी घर के वसी रहें मौला इलाही आमीन। हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शब्बीर के आगे, तकदीर बदलनी है तो आज।
डोली तुझे भरनी है तो आ इनके दर पे आ, इनके करम से देता खुदा बेहिसाब है, बेमिस्ल है रसूल अली लाजवाब, बेमिस्ल है रसूल अली लाजवाब, जो कि दिल में गमे हुसैन रखते हैं उन्हें हुसैन हर एक गम से बरी रखते हैं, जमाना देख ले आकर धरे ख्वाजा मुई पर, लबों पे नाम अली सब गुलाम रखते हैं, अताए ख्वाजा मुई है तो मुझको अपने कदमों के करीब रखते हैं, कि मुझको अपने कदमों के करीब रखते हैं, इमाम अली खान की वादा में सबके लिए दुआ करते हैं, मौला आप सबकी हाजिरी सबके इल्तिजाओं को कबूल अता करते हैं। ये बहुत ही खुशी दिन होता है आज के दिन, इमाम अली मकाम की वादा में हर कोई यहाँ पर आके हाजिरी देता, अपनी मन्नत मुराद अलम के साए में मांगता है, मौला गाजी अबू फजल अब्बास अलमार का, मौला अली अजगर अलैहिस्सलाम का वास्ता देके दुआ मांगता, जो ना औलाद होते उनको नए को सौले औलाद होता हूँ, मौला हर परेशानियाँ मुश्किल फरमाते हैं, मौला सबकी फरमाए, जो बीमार होते हैं सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके शफायाब होते हैं, जब शफायाब होते हैं तो इमाम अली मकाम के सामने यहाँ पे उनको तोला जाता है उनकी मन्नत के अनुसार। Thank you.